आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन तैयारियों में जुट गए हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर कोविड 19 वैक्सीन आने के बाद से ही गाजियाबाद प्रशासन तैयारियों में जुट गए थे। पहले गाजियाबाद में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया था, वहीं अब गाजियाबाद में कोविड 19 की वैक्सीन का टीकाकरण किया गया है। जिला गाजियाबाद में भी कोविड 19 की वैक्सीन का टीकाकरण किया गया है। गाजियाबाद में टीकाकरण के कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जहां कोविड 19 की वैक्सीन लगाई गई है। चारों कोविड सेंटर पर 400 लोगों के टीकाकरण किया जाना है। टीकाकरण लगने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं गाजियाबाद प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है कि टीकाकरण में कोई लापरवाही नहीं की जाए। देखिए, स्वास्थ्य सेवा के इतिहास में आज का ये दिन बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा और इस अवसर का सहभागी बनकर के और इसका साक्षी बनकर के हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारी पूरी प्रशासन की टीम, हमारी पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम, हम लोगों ने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आज लॉन्च करने से पूर्व दो बार ड्राई रन किया था, 5 जनवरी को और 11 जनवरी को। और पहले चरण में हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है और आज 4 सेंटर्स पर 400 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। इस दिन का बहुत ज्यादा इंतजार था और एक उत्सव के रूप में आज का दिन शुरू हुआ है। और उससे भी बड़ी बात ये भी, इसकी एक बात ये भी है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा है, अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और तो और विदेशों से बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे हैं कि वो हमारी वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन देश ने ये तय किया है कि पहले हमारे यहाँ की जरूरत पूरी हो जाए, तभी हम लोग निर्यात करेंगे। बहराइच से है, जहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया। आपको बता दें, खबर यूपी के बहराइच से आ रही है, जहां पर वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि बहराइच के 4 स्थानों पर कोविड 19 वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेज बहराइच में DMSP की निगरानी में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। कोविड 19 के इंचार्ज डॉक्टर OP पांडे को लगाया गया कोरोना का पहला टीका। सर, आपको पहली वैक्सीन लगी है, कैसा लग रहा है आपको? सर, कार्ड बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ, पहली वैक्सीन लगी। अपने सुरक्षित किया मैंने। सबसे पहले डॉक्टर OP पांडे जी जो है प्रोफेसर है यहाँ पे, उनको लगाई गई है, प्रिंसिपल साहब को लगाई गई है, दो लोगों को लगाई गई है। रिस्पॉन्स तो अच्छा है। 4 जगह पे हमें लगाया जा रहा है, नानपारा में लगाया जा रहा है, जर्मन में, ढेर सारे जो महिला अस्पताल, 4 जगह तैयारी हुई, 4 जगह स्टार्ट हो गया। प्रधानमंत्री लॉन्च के बाद जो है क्या शुभारम्भ करने के बाद। सर, आपको पहली वैक्सीन। उत्तराखंड के टिहरी में टीकाकरण शुरू हो गया। आपको बता दें, खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर टीकाकरण शुरू किया गया है। कोविड वैक्सीन का टीकाकरण हुआ शुरू। टिहरी जिले को मिले हुए हैं कोविशील्ड के 7,000 टीके। आज बोराड़ी और नरेंद्र नगर अस्पताल में भी शुरू हुआ टीकाकरण। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के 3,222 कर्मियों को लगाई गई वैक्सीन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविशील्ड कर्मियों को दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के खतरे में जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। संक्रमण से बचाव के लिए कोविशील्ड टीके की पहली खेप बुधवार को टिहरी पहुंच गई थी। स्वास्थ्य विभाग की मांग के अनुरूप विभाग को पहले चरण में 7,160 वैक्सीन मिली है। जिला अस्पताल बोराड़ी में टीकाकरण की शुरुआत की गई। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के 3,222 अधिकारी कर्मचारियों को टीके लगाए गए। टीकाकरण जिला अस्पताल बोराड़ी और संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर में शुरू किया गया टीकाकरण। कोविशील्ड वैक्सीन की 7,160 डोज जनपद को मिल गई। पहले चरण में 3,222 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। आशीष श्रीवास्तव जिला अधिकारी ने बताया कि आज 100 टीकाकरण किया जाना है। पहला टीकाकरण टिहरी जिले का हुआ और जो जैसा लग रहा है बिल्कुल सफल है। और ये देखने में आया यहाँ पर कि बिल्कुल ही नारी शक्ति का यहाँ पर एक तरीके से वर्चस्व था, क्योंकि जो वैक्सीन लगा रहे थे वो सारी महिलाएं थी। जिन्होंने पहला टीका कराया वो महिला है, CMO हमारी महिला थी। तो बिल्कुल ही मतलब एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम भी पॉजिटिव मैसेज इस जिले से भेजेंगे। परेशानी होती है किसी को तो हमारे वहाँ पर पूरा जो है, अभी आपको दिखाया गया था कि AEFI हमारा जो है
पूरा रूम बना है, वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे तैनात है, तो किसी भी तरह की किसी भी परेशानी के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमारी 3 एम्बुलेंस भी ड्राइवर बाहर खड़ी है। पंजाब के पठानकोट में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें खबर पठानकोट से आ रही है, जहां पर शहीद को पुष्प अर्पित किए गए हैं। शहीद मखन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है। 19 साल पहले आतंकियों से लोहा लेते हुए पिया शहादत का जाम। एसएसपी पठानकोट ने समारोह में शामिल हो शहीद को किए पुष्प अर्पित। जम्मू कश्मीर के नौगांव सेक्टर में आतंकियों से लड़ते हुए शहादत का जाम पीने वाले भारतीय सेना की 4 सिख रेजिमेंट के सिपाही मक्खन सिंह को 19वां श्रद्धांजलि समारोह उनके नाम पर बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना आईपीएस बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए, जहां सर्वप्रथम शहीद के माता पिता द्वारा स्कूल में बने शहीदी स्मारक पर लगी शहीद बेटे की तस्वीर, हार पहनाकर व ज्योति प्रज्वलित करके कार्यक्रम का आगाज किया। स्कूल में करवाए गए श्रद्धांजलि समारोह में स्कूल बच्चों देशभक्ति के प्रेरित रंगारंग प्रोग्राम पेश कर सबकी आंखें नम कर दी। आज साडे बेटे की 19वीं बरसवीं मनाई गई है, और साडे बेटे ने जो देश वास्ते अपना आप कुर्बान किया, उत्ते सानू पूरे परिवार नू कि पूरे देश नू गर्व है कि इहो जिहे बच्चे हमेशा पैदा होण, देश की रखवाली करते करते अपने प्राण नू शावर करन। आज भारतीय सेना की 4 सिख रेजिमेंट के शहीद सिपाही मक्खन सिंह जी का हम 19वां श्रद्धांजलि समारोह उन्हीं के नाम पर बने हुए शहीद सिपाही मक्खन सिंह सरकारी गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित जो है कर रहे हैं, मना रहे हैं। आज शहीद मक्खन सिंह जी का शहीदी दिवस है। आज से 19 साल पहले उन्होंने 2002 में अपनी जान 2005 में अपनी जान गंवाई थी, और जब वो श्रीनगर में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ, और उस समय अपने साथियों की जान बचाते हुए उन्होंने अपना वीरगति प्राप्त की। खबर पंजाब के फिरोजपुर से है, जहां पर छात्र किसान के समर्थन में आए। छात्रों ने निकाली बाइक रैली। आपको बता दें खबर आ रही है फिरोजपुर से, जहां पर छात्रों ने निकाली बाइक रैली। किसानों का साथ देने के लिए अब केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का साथ देने के लिए फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर से दिल्ली तक देश भर में छात्र छात्राओं की बाइक रैली ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में आज हुसैनीवाला बॉर्डर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के शहीदी स्थल से रैली शुरू की, और 19 तारीख को दिल्ली के चित्री बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर बाइक रैली पहुंचेगी। संघर्ष लंबा इस करके हो रहा है क्योंकि पंजाब तो शुरू होया संघर्ष, खेती बिलों तो शुरू होया, 2 महीने इतने बैठे, हूँ अलग अलग स्टेट जुड़ती जाती है। अज असी खड़े हैं हुसैनीवाला इस बॉर्डर के उत्ते, अज इतने 12 स्टेटा के लोग आए हैं। जो ये हुसैनीवाला में स्टैचू है, हमारा स्मारक है, वहाँ से हम लोग प्रेरणा लेकर वापस ये 5 दिन की रैली करते हुए सिंघू बॉर्डर पहुँचेंगे और टिकरी बॉर्डर जाएंगे। ये जो मकसद है कि जो आज समस्याओं के खिलाफ, जहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ पर उस समस्या पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, उनसे प्रेरणा लेकर कि आज की जो समस्या है उनके खिलाफ हम लोग भी लड़ पाएँ। ये जो किसान विरोधी 3 कृषि कानून है, काले का कृषि कानून और बिजली बिल, इसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में सारे देश में हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। इस मूवमेंट को जो मैसेज है, इस मूवमेंट का, इस मैसेज को हम लोग सारे देश में फैलाने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिए हैं। ये जो रैली होगी, ये रैली ये शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की स्मारक स्थल से होगी। यहाँ से हम लोग मिट्टी लेके जा रहे हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे। संघर्ष लंबा इस करके सीतापुर से है, जहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत आवंटन पत्र वितरण किए गए हैं। आपको बता दें खबर सीतापुर से आ रही है, जहाँ पर नगर पंचायत में आसरा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटन पत्र वितरण कार्यक्रम कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में सीतापुर भाजपा सांसद राजेश वर्मा द्वारा 73 लोगों को आवास आवंटन किया गया है। इस दौरान भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने कहा है कि तंबोर में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास
कई सौ बन चुके हैं और नए आवास का पैसा करीब 16,000 लाभार्थियों को खाते में भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस एक ही सपना है, सबका साथ सबका विकास। बताते चले कि कस्बे के मोहल्ला नवाब साहब पूर्वा में पूर्व में प्रदेश की सपा सरकार में बनकर तैयार आवास जो कि खाली पड़े थे शुक्रवार को भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने आवंटित किया। करीब 96 आवासों में से 73 आवास आवंटित किए गए। इसके बाद सांसद राजेश वर्मा ने कस्बे के कृष्णपाल डिग्री कॉलेज में इफको खाद के सहयोग से डॉक्टर विनय मोहन मुख्य क्षेत्र प्रबंधक सीतापुर इफको खाद के नेतृत्व में करीब 400 कंबल गरीब असहाय लोगों को वितरण किए गए। इस मौके पर एसडीएम राम दरसराम पूर्व चेयरमैन व वर्तमान चेयरमैन पति छब्बन बैग तंबोर नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी जय मनसाराम वर्मा मदन मोहन वर्मा तहसीलदार जय कुमार वर्मा लिपिक सुभान अली रामजीवन जायसवाल पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान शिवनाथ कुप दिलीप शुक्ला संतोष वर्मा सलमान अली सभासद सुयश श्रीवास्तव महफूज सभासद खबीर सभासद सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। 73 पात्र व्यक्तियों को आसरा आवास से संबंधित प्रमाण पत्र माननीय सांसद जी द्वारा वितरित किए गए हैं और कुल 96 आवास निर्मित किए गए थे, जिनमें अवशेष आवास अगर पात्र व्यक्ति और पाए जाएंगे तो उनको वितरित किए जाएंगे। 96 आवंटित होने थे, उनमें 73 लोगों को आवास दिए जा चुके हैं, अवशेष लोगों को पात्र पाए जाने पे आवंटित किए जाएंगे। 73 पात्र व्यक्तियों को खबर यूपी के झांसी से है जहां पर टीकाकरण शुरू हो गया। आपको बता दें कि खबर झांसी से आ रही है जहां पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। कोरोना वैक्सीन झांसी आ चुकी है। आज 16 जनवरी को वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए जिले में 5 टीकाकरण स्थल बनाए गए हैं, जिनमें जिला चिकित्सालय झांसी, जिला महिला चिकित्सालय महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा को शामिल किया गया है। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो प्रत्येक टीकाकरण के बाद यदि किसी प्रकार की प्रतिकूल घटना होती है तो उसके समुचित प्रबंधन के लिए चिकित्सा अधिकारी फार्मेसिस्ट एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ सहित एम्बुलेंस व्यवस्था रखी गई है। सभी केंद्रों पर EFI किट उपलब्ध करा दी गई है। राष्ट्रीय लॉन्च कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद झांसी में निर्धारित 5 टीकाकरण स्थलों पर प्रति सत्र अधिकतम 100 लाभार्थियों सहित एक टीकाकरण सत्र का आयोजन किया जाना है। सुनिश्चित किया गया है प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए 12,140 लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है। कोरोना वैक्सीन आ चुकी है जिसे सभी टीकाकरण केंद्रों पर भेज दिया गया है। लगभग झांसी जनपद में 12,140 हेल्थ वर्कर्स के कोविड पोर्टल का रजिस्ट्रेशन हुआ था और फेज़ वन में इन सब लोगों के 100% टीकाकरण करने की कार्य शुरू किया गया है और आज की तारीख में 5 सेशंस हमारा एक्टिव है। कुल 17 सेशंस को शुरू किया था और सीएससी मोड बंगरा वुमेन हॉस्पिटल जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ये सेशंस एक्टिव स्टेट में चल रही है। शुरुआत हम अपना प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और उसके बाद कोविड इंचार्ज से हम अपना टीकाकरण शुरू किया। यूपी के आगरा में वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं। आपको बता दें खबर आगरा से आ रही है जहां पर वैक्सीनेशन कैंप लगा दिए गए हैं। ताज नगरी आगरा में आज सुबह 9 बजे से 6 अस्पतालों में वैक्सीनेशन के काम शुरू हो गए हैं। ठीक 9 बजे कर्मचारियों के सत्यापन शुरू किए गए और उसके बाद 10 बजे से स्वास्थ्य कर्मियों का आना शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने आगरा में कल 6 स्थान पुष्पांजलि अस्पताल, लेडी लायल SN मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल खंदौली और एतमापुर में वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं। CMO RC पांडे ने पहले ही तय कर दिया था कि हर कैंप में 800 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद उन्होंने घर पर सेंटर पर 11 वायल भिजवाए। हर सेंटर पर एक वायल वैक्सीन यानी करीब 10 लोगों की एक्स्ट्रा दवाई भेजी गई है। विशेष डिब्बों में वैक्सीन रखी गई है। हर सेंटर पर 7 लोगों की ड्यूटी है। इसमें 2 डॉक्टर, 2 पुलिसकर्मी, टीकाकरण सत्यापन कर्मचारी और ऑपरेटर शामिल हैं।
वेंटिंग रूम में सत्यापन कर्मी और दो पुलिस कर्मी टीकाकरण कक्षों में, टीकाकरण कर्मी और ऑपरेटर व मॉनिटरिंग कक्ष में औषधि विज्ञानी व फिजिशियन लगाए गए हैं। वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक व्यक्ति को निगरानी में रखा जा रहा है ताकि अगर से कोई दिक्कत हो तो तत्काल इलाज दिया जा सके। एसएन मेडिकल और जिला अस्पताल में इमरजेंसी में वैक्सीन से प्रॉब्लम होने पर इलाज की विशेष व्यवस्था की गई है। आगरा में प्रशासन ने पहले चरण में 40 से ऊपर की उम्र के चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सीएमओ व अन्य अधिकारी घूम घूम करके कैंपों में जाकर स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। हाँ, आज जनपद आगरा में और हर जगह ही कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई है और मैं यहाँ पे जिला अस्पताल आगरा में आया हूँ। यहाँ पे आज के दिन हम लोग 100 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाए। हाँ, आज खबर यूपी के गाजियाबाद से है जहाँ पर क्लिनिक पर गोलियां चली हैं। आपको बता दें, खबर गाजियाबाद से आ रही है जहाँ पर लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी में बेखौफ बदमाशों ने डॉक्टर के क्लिनिक पर गोली चलाई है। संगम विहार कॉलोनी में क्लिनिक चलाने वाले जितेंद्र खटाना की दुकान पर गोलियां चली हैं। मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाश आए और गोलियां चलाई। डॉक्टर 12 बजे मौके पर लगी भारी भीड़। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आपको बता दें, खबर गाजियाबाद से आ रही है जहां पर एक डॉक्टर की क्लिनिक पर गोलियां चली हैं। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी में बेखौफ बदमाशों ने डॉक्टर के क्लिनिक पर गोलियां चलाई हैं। संगम विहार कॉलोनी में क्लिनिक चलाने वाले जितेंद्र खटाना की दुकान पर गोली चली है। मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाश आए और गोलियां चलाई। डॉक्टर बार बार बच गए लेकिन मौके पर भारी भीड़ लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। यहाँ से यहाँ पर एक लड़का आया था, मोनू नाम का एक लड़का होता है, उसके साथ बाइक पे। वो बाइक को उतर के पहला बंदा बाइक लेके चले गया जो पीछे बैठा था। वो आया सीधा यहाँ पे खड़ा हुआ, मैं यहाँ पे खड़ा था। आते ही उसने पहले तो देखा उनने कहाँ पे बैठे हैं, सीधे आते ही गोली मारी। गोली क्यों मारी, क्या बात थी, पता है कुछ? नहीं, बात का कुछ नहीं पता। ये सुबह कुछ इनकी मुँह बहस हुई थी, कुछ भी ज्यादा भी नहीं हुई थी, बस इतनी हुई थी कि गुजर कर दी अब नहीं चल रही, इतना ही मामला था बस। आपके साथ कुछ घटना हुई थी, क्या पूरा मामला है? दो बातें जी, गाले गलौज से करा था। कौन था? नायक का नाम सर चुके हाँ। फिर क्या किया उसने? गोली मार दी। कहाँ पे मारी थी गोली? सामने लगी। और क्या कहा उसने? कोई बात ही इसने कहा, कहते हैं और 2 मिनट में आ रहा हूँ और आके मुझे क्या पता मुझे किसी बुलाने गया होगा और आके गोली मार। कोई पुराना विवाद था उससे? कुछ कुछ नहीं जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ से खबर यूपी के कासगंज से है जहां पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें, खबर कासगंज से आ रही है जहां पर जिलाधिकारी सीपी सिंह ने शुरू किया वैक्सीनेशन का कार्य। 4 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें कासगंज जिला अस्पताल मिशन हॉस्पिटल सरोवर स्वास्थ्य केंद्र पर शामिल है। प्रत्येक केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पहले चरण में प्रत्येक केंद्र पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को यानी 400 लोगों को टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें, खबर कासगंज से है जहां पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। आप सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, हमारे देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज शुरू हुआ है। कासगंज जनपद में हमारे यहाँ 4 जगह मिशन हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएचसी सरोर, सीएचसी गंज डुडवारा में आज हमारा टीकाकरण शुरू हुआ है। प्रत्येक जगह पे आज 100-100 लोगों को टीका दिया जाएगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में और इस मानव जाति को बचाने वाले कार्यक्रम में सभी सक्रिय सहयोग दें, किसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और अगर उनको कहीं लगता है कि कमी बेसी है तत्काल हम लोगों के संज्ञान में लाएं और हम लोग उसका तत्काल निराकरण करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एबीसी स्टार न्यूज़। नमस्कार।